हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। तो आज हम बताना चाहते हैं कि MNC क्या होती है। ठीक है, MNC का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी वो होती है जिसकी अपने देश में तो ब्रांच होती ही होती है, अपने देश के अलावा किसी एक देश या अनेक देशों में उसकी ब्रांच हो, उसके ऑपरेशंस हो, उसका काम हो। ठीक है, तो MNC का मतलब दोबारा समझ लीजिए, मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल मतलब नेशनल का मतलब एक देश, मल्टीनेशनल मतलब एक से ज़्यादा देश, अनेक देशों में जिस कंपनी का काम हो, जिस कंपनी के ऑफिसेज हो, उसे मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके पास एसेट्स होते हैं। एसेट्स मतलब अच्छा ऑफिस होता है, अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, मतलब बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं सुंदर सुंदर से, और उन ऑफिसेज के अंदर अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, बैठने के लिए अच्छे केबिन्स हैं, एयर कंडीशनड ऑफिस होते हैं, सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, साफ़ सुथरा, और फिर उसके बाद उसमें अच्छे प्रोसेस होते हैं, मतलब रूल्स रेगुलेशन प्रोसेस होते हैं जिसमें हर इंसान जो भी काम करने वाला एम्प्लॉई होता है वो बड़ा कंफर्टेबल फील करता है, उसे बहुत सेफ, सुरक्षित, सिक्योर फील करता है कि एक बार उसमें जॉब लग जाती है तो आसानी से कोई नहीं निकाल सकता, और बहुत ज़्यादा गंदी पॉलिटिक्स नहीं होती, और जो प्रोसेसेस होते हैं वो प्रॉपरली डिफाइंड होते हैं, स्मूथ प्रोसेसेस होते हैं, और एक दूसरे को पता होते हैं कि क्या ठीक है क्या गलत है, और टाइम टू टाइम वो लोग आपको एजुकेशन देते रहते हैं, ट्रेनिंग देते रहते हैं कि भाई ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो बहुत सारे चैनल होते हैं कि आप अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, मैनेजमेंट तक, और इवन उस कंपनी के जो मालिक होते हैं, CEO होते हैं, COO होते हैं, या मैनेजिंग डायरेक्टर जो उनके मालिक होते हैं, उन तक आपकी पहुंच होती है। आप उनसे बात भी कर सकते हैं, अपनी बात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, और जो भी गलत हो रहा होता है उसे आप ठीक करा सकते हैं। तो ये तो हो गई अंदर की बात। तो इसलिए जो नॉर्मल कंपनीज़ होती हैं, छोटी प्राइवेट लिमिटेड या कैसी भी कंपनी हो सकती है, जो भी स्मॉल कंपनीज़ होती हैं या नेशनल कंपनीज़ होती हैं, उनके कंपेरेटिवली मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जो एम्प्लॉय हैं वो ज़्यादा सेफ़ फील करते हैं, और उनको फैसिलिटीज़ भी अच्छी दी जाती हैं, सैलरीज़ भी अच्छी होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप स्कूल कॉलेज से कहीं से निकलते हैं और एक जॉब ढूंढते हैं, और अगर आपको एक नॉर्मल से ऑफिस में जॉब मिलती है तो यू वॉन्ट फील दैट हैप्पी, उतना अच्छा आपको महसूस नहीं होता। अगर आप एक मल्टीनेशनल में आप जॉब करते हैं तो एक प्राउड फीलिंग आती है कि यस, मैं एक अच्छी बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ, बैठने की जगह अच्छी है, आने जाने की सुविधाएँ अच्छी हैं, और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है कि सब लोग एक दूसरे से मिलजुल के बात करते हैं, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होते। भेदभाव अगर आप वहाँ करते हैं तो वहाँ फिर पनिशमेंट होता है, आप इजीली आपको सैक किया जा सकता है, मतलब निकाला जा सकता है। तो वहाँ सब लोग बराबर होते हैं, सारे धर्मों के लोग, सारे रीजन्स के लोग, मतलब एक समानता होती है वहाँ पर। ये जो छोटी छोटी अगर आप कंपनी में जाते हैं तो वहाँ जाति पाति भेदभाव ये सब चीज़ें होती हैं, बट मल्टीनेशनल्स में ये नहीं होती। हाँ, कुछ जगह ग्रुपिज्म आने लगा है या, बट फिर भी MNCs में इन चीज़ को अवॉइड किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, सारे एम्प्लॉयज़ को समान ट्रीटमेंट मिलता है, समान फैसिलिटीज़ मिलती हैं, अच्छे प्रोसेसेस होते हैं, बिल्डिंग्स बहुत अच्छी होती हैं जो कि लुक्रेटिव होती हैं, बिल्डिंग देख के आपका मन करता है वहाँ काम करने के लिए। बाकी छोटे ऑफिसेज में क्या होता है कि बिल्डिंग या फैसिलिटीज़ ही इतनी अच्छी नहीं होती हैं, आप जाते हैं आपका मन ही नहीं करता काम करने के लिए। तो MNC का मतलब ये है कि आप जाएंगे, आप अंदर से एक मोटिवेट हो जाएंगे कि हाँ यार, कितना अच्छा एनवायरनमेंट है, सब कुछ मिल रहा है कंपनी की तरफ से, आपको बैठने को सुंदर सी सीट है, एयर कंडीशन एनवायरनमेंट है, आने जाने के लिए कैब्स भी मिलती हैं। डिपेंड करता है किस तरह के काम आप कर रहे हैं, किस तरह का जॉब आपने लिया है, फिर आपको कंप्यूटर मिलता है, फिर आपको लैपटॉप भी मिलता है, या जो भी आप काम करते हैं उससे रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ आपको दी हुई, और बाकायदा 2 से 3 दिन तक की आपको इंडक्शन, मतलब पूरी कंपनी के बारे में बताया जाता है,
और फिर ट्रेनिंग्स दी जाती हैं हर चीज़ की, जो भी काम में आपको लिया गया है, जिस काम के लिए, उस काम की पहले आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, आपको समझाया जाता है और उसके बाद आपको काम पर लगाया जाता है। तो ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर, MNC में। अब तक तो हमने आपको बता दिया कि MNC क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। तो हम दो चार एग्जांपल आपको देते हैं कि आपको क्लियर हो जाए। माइक्रोसॉफ्ट जी हाँ, जो विंडोज़ बनाते हैं और विंडोज़ से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट है, ये एक MNC कंपनी है। दूसरी आप लेते हैं फेसबुक, जो फेसबुक है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। तीसरी कंपनी का अगर हम एग्जांपल लें तो अमेज़न से आप रोज ख़रीदारी करते हैं तो वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। और एक एग्जांपल लेते हैं हम IBM, जी हाँ, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसने कंप्यूटर बनाया था, ठीक है ना। तो IBM तो वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। और अगर हम इंडियन ब्रांड्स की बात करें तो TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS जो है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। विप्रो, जी हाँ, विप्रो एक IT सर्विसेज की बहुत बड़ी कंपनी है। और कंप्यूटर्स में अगर हम बात करें तो HCL एक MNC है, मल्टीनेशनल कंपनी है। तो इस तरह की कंपनीज़ हैं, आपने इनके बिल्डिंग्स देखी होंगे, इनके ऑफिसेज देखे होंगे, बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, बहुत सुंदर बिल्डिंग्स होती हैं। तो ये सारी हैं, इनका एग्जांपल्स हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ के। तो और भी बहुत हैं, आप चाहें तो गूगल पे और भी सर्च कर सकते हैं। तो ये थी मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं तो गूगल कर लीजिए, वहाँ डिटेल में आपको मिल जाएगा मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बारे में। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू मल्टीनेशनल कंपनी का। बने रहिए हमारे साथ, और हमारे जो गांव के जो ग्रेजुएट्स हैं, जो गांव के लोग हैं, जो एजुकेशन तो ले चुके हैं लेकिन इन कंपनीज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोशिश कीजिए, आपसे जितनी हो सकती है आप मदद कीजिए उनकी, ताकि वो लोग भी MNCs में काम कर सकें और जॉब का एंजॉय कर सकें, अपने अपने जॉब्स को काम करने का एंजॉय कर सकें, अपने अपने कामों को। ठीक है जी, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।